पिछले दिनों एक सड़क हादसे में भारतीय मूल के चार नौजवानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक नौजवानों के परिवारों ने चारों के शव भारत लेकर आने के लिए केंद्र सरकार से मांग की थी, जिसके बाद कल भारत सरकार की मदद से चारों नौजवानों के शव दिल्ली पहुंचे और परिवारों को सौंप दिए गए, जिसके बाद आज होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ और मुकेरिया में दोनों नौजवानों को संस्कार कर दिया गया। वहीं परिवार ने भारत सरकार का जहां शवों को भारत लेकर आने के लिए धन्यवाद किया। पिछले दिनों पुर्तगाल में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय मूल के चार नौजवानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक नौजवानों के परिवारों ने नौजवानों की मृतक देह भारत लेकर आने की मांग भारत सरकार से की थी, जिसके बाद होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ के रजल और मुकेरिया के प्रीतपाल सिंह के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे, जहां परिवार में दुख की लहर थी। वहीं दोनों परिवारों ने दोनों मृतक देहों को अपने अपने रीति रिवाजों के साथ संस्कार कर दिया। वहीं परिवार ने दोनों के पार्थिव शरीर भारत लेकर आने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। चारों मृतक नौजवानों के शव देर शाम कल दिल्ली पहुंचे थे, जहां केंद्र सरकार की तरफ से सभी के शव परिवारों को सौंप दिए गए थे। मेरा भांजा सीगा, तीन महीने पहले गया सी पुर्तगाल गया सीगा, ते महीना के काम लग गया सीगा, फिर एक्सीडेंट हो गया, उसको सानू मोड़ पता होगा एक्सीडेंट हो गया। परिवार दे की हालात है जी? परिवार दे हालात गरीब बंदे आपां देखो पैसा कर्जा चुक के बाहर भेजा सीगा, सरकार की बेनती करते हैं मेरी मदद की जाए। मेरा मामे का लड़का जी रजत कुमार यूरोप कंट्री बार पुर्तगाल गया सी जी काम के सिलसिले च, ते तीन महीने पहले गया सी जी, सानू पता लगा कि उन्होंने उधर मौत कार एक्सीडेंट हो गई है जी। उस सिलसिले से फिर आप अविनाश राय खन्ना जी जो नैशनल हेड है बीजेपी के अध्यक्ष उन्होंने मिले सी, ते सोम प्रकाश जी भी उन्होंने साड़ी बहुत मदद की, उन्होंने थ्रू इतनी बॉडी आई है, ते अज इन्हां दा संस्कार करन लगे हैं।